नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हन फॉर द पीपल बाय द पीपल। जैसा कि हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अक्सर इस वाक्य का प्रयोग करते नजर आते हैं, जो कि है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ऐसे में सबसे पहले हम आपका ध्यान उस खबर की ओर ले जाते हैं जो कि पिछले दिनों उत्तराखंड के जोशी मठ से आ रही थी, जिसमें खबरों के हवाले से ये बताया जा रहा था कि जोशी मठ में जमीन, घरों और बिल्डिंग्स पे अचानक से बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं, जिसके चलते न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने वहां पर कुछ बिल्डिंग्स और घरों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। और ऐसे में कुछ न्यूज एनालिसिस के हिसाब से इन सब का एक मुख्य कारण बताया जा रहा था प्रकृति के साथ पूर्व में हुई छेड़छाड़ और साथ ही जरूरत से ज्यादा वहां पर हुई कंस्ट्रक्शंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितनी जरूरत आज हमें आगे बढ़ने के लिए डेवलपमेंट्स की है, उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरत हमें हमारी प्रकृति को सुरक्षित रखने की भी है। ऐसे में खबरों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि अप्रैल में चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके चलते हम आपको ये भी बता दें कि इस चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पर श्रद्धालुओं की भीड़ जाती है भारत के हर कोनों से हर साल। और ऐसे में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पिछले शनिवार को ये बताया जा रहा है कि अचानक से बद्रीनाथ हाईवे पर जोशी मठ के नजदीक 10 और बड़े इस रोड पर क्रैक्स देखे गए हैं। अब एक और भोलेनाथ को मानने वाले श्रद्धालुओं की आस्था, तो दूसरी ओर इन क्रैक्स के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर काफी बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अब ऐसे वातावरण में इस बार कैसे करता है प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा का इंतजाम, जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट। और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से। Thank you.